हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्टिस्ट बिलन। तो आज राजू भाई और हम आयन के खेत में ये मिर्चों में छिड़काव करने वाले हैं। तो पानी हम यहाँ से लेने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ जस्ट अभी इंजन चला है। यहाँ से पानी ले जाके इनका खेत पे जाके छिड़काव करेंगे मिर्चों में। देखते हैं खेती के राजू भाई बारे क्या में। कर रहे हो आप? हजारिया जो, अच्छा ये कैन टाइप का, इसको हजारिया बोलते हैं? हाँ 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 शावर की तरह काम करता है, अच्छा दादा, बाथरूम में शावर जो होता है। शावर बारिश की बूंदे इसे कह सकते हैं। ओहो, बारिश की बूंदे, सही है, गजब है यार। राजू भाई, तुम तो बाहर काम करते हो, तो तुम्हें आती खेती वगैरह? सही है गुरु, ठीक है। होना भी चाहिए, काम सभी आनी चाहिए। देखो, सबसे तो मुश्किल काम होता है खेती का ही होता है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, खाना इतना वेस्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है खेती का। देखो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। ये ऐसे किसे लेगा? अच्छा, तो इनका खेत रहा वो जो वहाँ पे रोड किनारे है, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ से पानी लेने आए थे। चलो भाई चलते हैं, अच्छे बजे जा रहे हैं। आज हम भी देखेंगे मिर्चा, पानी छिड़काव करेंगे। अभी इन्होंने कुछ देर पहले, आज और कल भी इन्होंने यहाँ खेती में, एक में क्या बोया था, लहसुन, एक में लहसुन बोया था और मिर्च वगैरह, और खेत उत की जुताई भी की थी। तो अभी बोल रहे थे चलो खेत पर चलते हैं, तो खेत पर देखते हैं भाई। खेती का मेरा ही फर्स्ट टाइम है, क्योंकि खेती का तो मैंने भी नहीं देखा, आई नहीं, ना ही आज तक किया है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। दादी भाई के साथ आया हूँ फ्रेंड्स, आज इनके साथ पानी छिड़काव करेंगे, मजा आने वाला है। बताया जा रहा था, हेलो फ्रेंड्स, आज बताया जा रहा था कि आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। देखिए कितनी प्यारा ये लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग पड़ा हुआ है, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे तरबूज, नहीं होता राजू भाई, बिल्कुल तरबूज में किसी ने खा लिया है इसको काट के। बड़ा खतरनाक है यार, सच में मजा आ गया कि हमारे राजू भाई देखो यहाँ पे मिर्च में लगाने वाले हैं। राजू भाई आए करो, चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं राजू भाई के साथ। आज करने वाले हैं खेती में लगाएंगे पानी और फिर आएगा मजा। देखो 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 देखो, ये देखो मोदी जी कितनी उल्लंघन कर रहे। रुको मैं इसका फोटो ले लेता हूँ सूर्य ग्रहण का, मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये भाई खेती करते हुए। ये क्या है, ये है मिर्च? ये मिर्च की क्यारी है, यहाँ से पेड़ उखड़ के वहां लगेंगे अभी। मतलब यहाँ से अभी पेड़ उखाड़ोगे? ये पेड़ उखड़ उखड़ के वहां लगेंगे, मतलब यहाँ से पेड़, अभी जब क्यारी बन जाएगी तो यहाँ से पेड़ उखाड़ोगे और फिर इसको यहाँ लगाओगे? अच्छा, लहसुन के साथ में लगाओगे। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, खेती भी जानते हैं। हमारे इंजीनियर साहब ये मिर्चों में पानी लगाते हुए, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मजा आएगा। तारा वाला पानी खत्म हो गया, दोबारा पानी खत्म हो गया है राजू भाई की बाल्टी में। इसे कट कर दूंगा, दोबारा हम पानी लेने जा रहे हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण भी खत्म हो गया, सूरज पूरा डूब चुका है। अब मैं ट्राई करूंगा इस बार, ठीक है भाई? ये यही है, अब मैं भी ट्राई करूंगा इसको पानी को। हाँ मतलब लगाना है यार, लगा देंगे, खेत में लगाना है। तुम वीडियो बनाना, वहां से घुमा के लेकर आए थे जब से, ये देखो यहाँ से कितना मैंने सोच रास्ते ने दिखा दिया है। इसे कहते हैं दिमाग, हाँ दिमाग के घोड़े दौड़ाना। इसके बाद डोए हैं यहाँ पे, धान काट के डाल दिए गए हैं,
और ये आ गया हमारा कुआ। ये कुएं से राजू भाई पानी भरेंगे। पानी चुराया नहीं जाता है, पूछ के लेना चाहिए। अच्छा मैं पकड़ू तो वो गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है ना, हरियाली चारों तरफ, खेती बाड़ी होती है, ये चीज, ये शांति, ये चीज तुम्हें शहर में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूर दूर तक जहां नजर डालोगे आपको खेती खेत नजर आएंगे, और यही सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है गाँव में रहने का, क्योंकि आपको शुद्ध हवा, आपको ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी और पॉल्यूशन कम होता है, बहुत अच्छा है। राजू भाई मैं तो बड़ा हो गया ना, गांव में ही घर बनाऊंगा बड़ा करके। गांव की जिंदगी वेस्ट है यार, ना ही आपको पानी मोल, ना ही आपको पानी मोल लेके पीने का है, हैंडपंप पे चलाओ पानी पियो। और मतलब तो गांव में भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, सारी सेवाएं तो गांव में भी उपलब्ध हो जाती हैं, तो गांव से बढ़िया जिंदगी कहीं नहीं है। गांव का लाइफस्टाइल चाहे कैसे भी है, गांव में अलग ही मजा है। अब यहाँ पे पानी मैं करने वाला हूँ छिड़काव पानी का। ये भटकती आत्मा फोन करा जा रहा है मुझे, अरुण आज उसको लेके नहीं आए ना हम लोग, आज हम उसको लेके नहीं आए इसलिए फोन कर रहा है वो, उसको छोड़ा है हम अकेले, आज दाऊजू भाई के साथ ब्लॉग बनाएंगे। और ये अजय भाई हमारे पानी भरते हुए मिर्च के लिए, देखता हूँ मैं कैसे होता है। राजू भाई को देखा था छिड़काव करते, मजा आ रहा था। अरे यार धार बना के करना पड़ेगा। ये लगाया इन्होंने कैप इसका, जैसे राजू भाई कर रहे थे करके। अब ये आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर ये पानी छिड़कते हुए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक साइड से गीला होना चाहिए पूरा, मतलब कोई भी जगह यहाँ पे ना सूखी नहीं। इसमें आ जाता है आपका 10 लीटर के करीब, 10 से 15 लीटर, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत अच्छा, बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से करते हुए ये, इसे कहते हैं सिंचाई करना। हाँ हाँ जी, ये जो खेतों में सिंचाई की जाती है इसी तरीके से की जाती है, यहाँ जगह कम है हमारे पास तो हम इससे कर रहे हैं, और नहीं तो हम हैंड इंजन वगैरह लगाते हैं। इंजन मतलब क्यों? इंजन सिंचाई करने के लिए लगाते हैं इंजन को, अगर जैसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो यहाँ इससे कब तक डालेंगे, इसलिए इंजन लगाया जाता है। हाँ छोटी जगह है, जैसे ये छोटी मोटी क्यारियाँ हैं इनके लिए हमें ये, इससे हो जाएगा ये, हाँ कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा शावर की तरह है, एज अ शावर इसे हम यूज करते हैं, शावर लेते हैं। जैसे बारिश होते हुए देखा होगा आपने, जो बारिश की बूंदें होती हैं सेम इसी तरीके से होते हैं, ये भी बारिश की बूंदों की तरह, जिस इससे हम इसलिए डालते हैं, इससे ना तो पेड़ टूटता है ना पेड़ खराब होता है, चाहे कितना ही छोटा पेड़ हो या कितना बड़ा ही पेड़ हो, इसलिए हम इससे डालते हैं पानी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सीधे पानी फोर्सली नहीं जाता है, बहुत स्लोली स्लोली बूंदे टाइप की गिरती हैं, जिससे ये दुकान पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे देखो हाँ पानी का छिड़काव कर दिया है, अभी पूरा हो गया तीन ही थी, अब हम जा रहे हैं घर। अब हम मॉर्निंग में क्या रहे हैं, मॉर्निंग में आ गए हैं, एक बार मॉर्निंग में और डाल देंगे पानी। चलो मॉर्निंग में आते हैं ना, ये तो फिलहाल यहाँ तक ही काफी है। ठीक है भाई फ्रेंड्स, मजा आया सिंचाई करके, सिंचाई करके बहुत मजा आया। ठीक है बाय।